हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है वेडनेसडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजने में 10 मिनट हैं। तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का नाश्ता, खाना पीना ये सब हो चुका है, बस अब क्लीनिंग में लगूँगी। और दो चार दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। वायरल चल रहा है यहाँ पर, तो वही फीवर था, कोल्ड एंड कफ एंड ऑल। और अभी भी बच्चों को, हम सब लोग घर में बीमार हैं, हस्बैंड, बच्चे, सब लोगों को फीवर था। अभी तो नहीं है, लेकिन वो जो फीवर साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ के जाता है ना, तो उसी से जूझ रहे हैं। तो चलिए काम स्टार्ट करती हूँ। तो सोचा आज ब्लॉग, थोड़ी सी तबीयत ठीक थी तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो रात को कपड़े धोए थे, ये पड़े हैं यहाँ पर और इनको सूख गए हैं ये। और कल हमें पानी ने बहुत परेशान किया, यहाँ पर पानी नहीं आया तो फिर इसीलिए मैंने शाम को कपड़े धोए थे, तो वो सूख गए हैं, तो उनको फोल्ड करना है। और बाकी घर की हालत आप देख लो, यहाँ पे क्लास चल रही है, साथ में नाश्ता हो रहा है और सारे बच्चे बीमार हैं। और इनकी भी पहले से तो काफ़ी तबीयत बेटर है अभी। तो चलिए किचन का हाल दिखाती हूँ आपको। पूरा घर बिखरा पड़ा है, मतलब काफ़ी, जैसे तबीयत ठीक नहीं थी ना तो बस ज़रूरी काम करे और दवाई खाई और सो गए, बस ऐसे ही था। तो इसीलिए फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करूँगी, अभी एकदम से तो नहीं करूँगी ऑब्वियसली। तो चलिए, तो चलिए अब कर लेते हैं गैलरी। जो मेरी बाहर की बालकनी है वहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, और जो जो नए प्लांट्स आते हैं वो साथ के साथ मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो वही आज ना दो तीन दिन पहले, मतलब हो गया 1 वीक के करीब होने वाला होगा, तो बारिश आई थी बहुत तेज़ रात को, आंधी तूफान ऐसे ना बहुत कुछ हुआ था। तो उस टाइम पे ना पौधों में, मतलब जैसे बारिश आती है तो मिट्टी छिलक के सारी नीचे गिर जाती है ना, तो तब से बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना, मतलब मिट्टी वगैरह हो रखी थी। मैं झाड़ू पोछा तो मैं कर रही थी लेकिन इतना डीपली नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर इसीलिए आज मैंने सोचा कि सारे प्लांट्स निकाल के ना इधर, तो पूरा बालकनी को पूरा वॉश कर देती हूँ और फिर उसके बाद पोछा वगैरह अच्छे से लगा के देन फिर प्लांट्स को दोबारा रीअरेंज कर देती हूँ। तो उसी काम के लिए मैं लगी हुई हूँ, और कहने को तो छोटा सा काम होता है लेकिन बहुत टाइम लग गया। तो ये प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लांट्स सारे मैं निकाल के ले आई हूँ इधर। तो ये जो मैंने पहले आपको भी प्लांट दिखाया, उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब एक एक नया लीफ आता है पुराना वाला लीफ इस तरीके से सड़ने लग जाता है, पता नहीं अजीब सा कुछ हो रहा है। दो तीन बार मैंने प्लांटर भी चेंज कर दिया इसका, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। एनीवेज, तो बाकी के प्लांट्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो कड़ी पत्ता भी बहुत सुंदर हो रखा है मेरा, और मैं नीम का पौधा लेके आई थी, वो भी काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी सुंदर हो गया है वो भी। और अब बस थोड़ा बहुत क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, तो यही बस पानी वगैरह लेके आई हूँ और इसे वॉश करूँगी अच्छे से। और जब तक अच्छे से धुल के, और वो नहीं होगा ना क्योंकि मिट्टी वगैरह पोछे में इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती, उसे क्लीन करने के लिए पानी से ही वॉश करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो धो ही लेती हूँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक थी और बेटर फील कर रही हूँ काफ़ी, पहले से तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हालांकि अभी पूरे तरीके से तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, और मेडिसिन वगैरह अभी भी मेरी चल रही है। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर थोड़ा कर लेती हूँ, इस तरीके से कर रही हूँ क्योंकि काम करना भी तो ज़रूरी है ना। पहले ही 3-4 दिन मैं कुछ कर नहीं पाई इतना, बस थोड़ा बहुत अपना किचन का किया और मैं कर लेती थी क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अभी धीरे धीरे तो समेटना पड़ेगा, तो फिर किचन भी बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे बोला भी था कि किचन का डीप क्लीन का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं बीमार ही पड़ गई तो फिर डीप क्लीन कहाँ से होना था। तो अभी सोच रही हूँ एक एक कॉर्नर लेके उसको भी क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले बालकनी क्लीन कर लेते हैं, देन उसके बाद इधर बाहर की तरफ भी जो मेरा मेन डोर है वहाँ पे भी, किचन विंडो पे भी मैंने जो प्लांट्स लगाए हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर किए थे, उनको भी अच्छे से क्लीन करके वो भी रख दूँगी। तो ये प्लांट्स नए लेके आए थे मेरे हस्बैंड, ये स्नेक प्लांट है जिसमें येलो कलर का आउटलाइन होता है ना, वो है, और बाकी दोनों प्लांट्स हैं। तो
बस अब इधर वाली साइड आई हूँ, ये वाले जो प्लांट्स हैं इनको भी मतलब उठा के क्लीन, प्लांट्स को क्लीन नहीं करना, बस विंडो का ये जो ग्लास वगैरह है उसको वॉश करना था अच्छे से, तो वही सब कर रही हूँ। मैंने सोचा ये भी आज ही कर लेती हूँ तो साथ के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर है वो मैं अंदर से भी आज क्लीन करने वाली हूँ किचन का, और इसीलिए फिर मैंने सोचा बाहर से भी प्लांट्स वगैरह उठा के एक बार क्लीन कर देती हूँ। ये मैं वीकली मतलब जैसे मेरे को टाइम लगता है वैसे मैं कर लेती हूँ, ऐसे कोई एग्जैक्ट टाइमिंग या प्रॉपर डे नहीं है कि इस दिन ही मुझे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वो हो गया था, उसके बाद मैंने मेन डोर भी डस्टिंग वगैरह कर दी है। तो यहाँ के भी प्लांट्स ना काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, यहाँ पे ना धूप बहुत लिमिटेड मतलब आती है, जितनी चाहिए रहती है, एकदम बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, 2-3 घंटे के लिए आती है शाम की धूप, बस वही धूप है। उसमें बहुत सुंदर हो रखे हैं प्लांट्स और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। तो बस ये सब मैंने क्लीन कर दिया है, तो अब बस चलेंगे किचन की तरफ और करते हैं किचन की सफाई। तो सारे प्लांट्स वगैरह मैंने कर दिए हैं, इधर भी बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो उसको भी क्लीन कर दिया है और प्लांट सारे अरेंज कर दिए हैं। ये इंडोर प्लांट्स हैं, अभी मैं इनको बाद में अंदर ले आऊँगी। और इधर बाहर जो मैंने लगाए हुए हैं, ये किचन की विंडो है, उस पर मैंने इस तरीके से लगाया, अंदर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी क्लीन कर दिए हैं। प्लांट्स का सारा आज सॉर्ट आउट कर दिया है मैंने, पानी वगैरह जिन जिन को देना था उनको पानी दे दिया है और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं बाहर। यहाँ पे ना धूप और वो बिल्कुल परफेक्ट आती है, अभी मॉर्निंग में नहीं रहती, शाम को आएगी 1-2 घंटे के लिए बस, तो इतनी धूप इनके लिए इनफ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक जो ये सुकुलेंट था तो इसको मैंने अभी यहाँ पे रखा है, तो इसको भी बाद में अरेंज कर लूँगी। जुगाड़ और एक पाम है, बाकी सब फैला हुआ है सामान अभी, तो सारा बालकनी क्लीन करके आई हूँ। अभी ये बाहर का भी क्लीन करना है, अभी थोड़ी देर में करूँगी। चलिए जब तक मैं आपको किचन का दिखाती हूँ हाल, ये किचन का हाल है मेरी, बर्तन वगैरह सब फैले पड़े हैं। और आज मैंने बनाई है घिया और लौकी की सब्ज़ी, घिया और लौकी बनाया है, तो दोपहर के लिए ही हो जाएगा। तो बस अब किचन की तरफ बढ़ते हैं, पहले मैं ये जो कपड़े हैं ना थोड़े से इनको फोल्ड कर लेते हैं, वरना इधर से उधर झूलते रहेंगे। चलिए कैमरे करती हूँ ट्राइपॉड पे सेट।
तो अब बारी आती है किचन की, और बाकी तो थोड़ा बहुत कर दिया है मैंने क्लीन, और झाड़ू वगैरह भी लग गया है। अब किचन में जो बर्तन वगैरह अरेंज करने थे वो सारे अरेंज करूँगी, देन ये वाला कॉर्नर आज मैं वॉश करने वाली हूँ, और ये कर्टन सब कुछ वॉश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा ली हैं, उसके बाद हटाने के बाद इसको स्टैंड को भी क्लीन करने वाली हूँ मैं, और ये चॉपर वगैरह यहाँ पे रखती हूँ मैं, हैंडी रहता है काफ़ी। और ये बड़ा वाला चॉपर है, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा था, ये आपने देखा भी होगा इसमें काफ़ी तरह के आते हैं चॉपिंग, मतलब छोटा बड़ा जैसा भी आप चॉप करना चाहते हो वो सारे हैं इसमें, लेकिन इस जगह बहुत लेता है, ये बड़ा है तो इसलिए मैंने यहाँ रखा था कि हैंडी रहता है, पास में रहेगा, यूज़ करके फिर कर दो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी यहाँ पे मेस सा क्रिएट कर रहा है, तो इसको मैं ड्रॉअर में जगह देने वाली हूँ आज, तो ये भी अरेंज करूँगी। और यहाँ पे मिस्टर मसल का जो क्लीनर है आजकल यही इस्तेमाल कर रही हूँ, वो अपना DIY क्लीनर बनाने का भी मुझे टाइम नहीं लग रहा है, हालाँकि वो 2 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी वही हो जाता है ना, जो रह गया सो रह गया। तो बस इसी के साथ मैं मिस्टर मसल जो किचन क्लीनर है उसके साथ ही मैं क्लीन कर रही हूँ, तो ये सारी टाइल्स वगैरह सब कुछ क्लीन कर दूँगी। देन ये कर्टन भी उतारना है मुझे, और ये सारी विंडो भी मैं अंदर से सारी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पोंछ दूँगी। आज के दिन में सिर्फ इतना ही मैंने कॉर्नर लिया है, इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, देन फिर नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट कॉर्नर ले लूँगी। मैं सोच रही हूँ इसी तरीके से करूँगी, एक ही दिन में सारा नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि बीमार होने की वजह से ना काफ़ी वीकनेस आ गया है मुझे, और मैं महसूस भी कर रही हूँ खुद, मुझसे ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जा रहा, और ज़्यादा मैं अगर काम कर रही हूँ तो फिर मेरे पैरों में दर्द रह रहा है। तो इसीलिए सोचूं जब तक रिकवर नहीं होता थोड़े टाइम के लिए तब तक धीरे धीरे से करूं, लेकिन करना तो है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूं, तो ऐसे मुझे भी इजी रहेगा और क्लीन भी रहेगा और मन को शांति भी रहेगी कि हाँ मैंने सफाई कर ली है। तो बस यही सोचा है मैंने, तो आज बाहर से भी मैंने ये विंडो क्लीन कर दी थी, तो अंदर से भी इस तरीके से मैं उसको पोंछ लूँगी, और अच्छे से पूरा विंडो ग्लास वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, और एक कर्टन को मैं धोने में लगा दूँगी, और वो जब तक मेरी क्लीनिंग ख़त्म होगी तब तक वो कर्टन सूख भी जाएगा, तो साथ के साथ मैं वो लगा भी दूँगी। तो क्योंकि मॉर्निंग में लंच वगैरह मैंने बना लिया है, तो लंच की इतनी टेंशन नहीं है, तो इसीलिए सोचा ये एक एक कॉर्नर करके काम करती रहती हूँ। तो ये बर्तन वगैरह सारे सुबह के मॉर्निंग के हैं जो, वो सारे मैंने कर लिए हैं, तो अभी मैं इसको वॉश करके ये भी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ कुछ चेंजेस करने से ना अपने मन को भी अच्छा लगता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, और ऐसा भी लगता है कि हाँ चीज़ें हटाने से ना थोड़ी सी सफाई हो जाती है, और कुछ नहीं होता, यही होता है कि अगर हम चीज़ें इधर से उधर करते हैं ना तो चीज़ों की सफाई होती रहती है। बेशक आप उस चीज़ को जहाँ से उठाया वहीं पर रख दें, लेकिन सफाई होने से ना थोड़ा सा क्लीनिंग में थोड़ा सा अपने आप को मन को तसल्ली सी रहती है। तो बस वही मैं करती रहती हूँ रूम्स में भी, इधर के उधर सामान करने मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सब करना। तो ये गैस स्टोव है, इसको भी मैं इस मिस्टर मसल से ही क्लीन कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है, और काफ़ी दिन से मेरी चिमनी भी गंदी हो रखी है, मैं कितने दिनों से आप बोल भी रही हूँ, देखती हूँ कल पक्का मैं चिमनी की बारी लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल हो रहा है उस पर। तो चूल्हा भी मैंने ये अपना गैस स्टोव कर लिया है क्लीन, इसी से मिस्टर मसल से ही किया है, तो बर्तन मेरे ऑलरेडी क्लीन है, बस अब मुझे झाड़ू पोछा लगाना है, और लंच तो मेरा रेडी है। सुबह मैंने मॉर्निंग में घिया और दाल चने की दाल की बनाई थी, और साथ में अभी थोड़े से राइस कर लूँगी। वैसे हम राइस अवॉइड कर रहे हैं इतने दिनों से, क्योंकि सभी बीमार हैं, बच्चे भी, मैं भी और हस्बैंड भी, तो लेकिन आज अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही रोटी बनाने की। आटा तो वैसे गूंथा हुआ है, मॉर्निंग में गूंथा था मैंने, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं रोटियां बनाऊं, क्योंकि मेरे से खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था इतना सा काम करने के बाद। हालांकि मैं बैठ के 10 मिनट का ब्रेक ले के मैं कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पर मैंने चावल चढ़ा दिए और फिर वही हमने खाए, और मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मैं सो गई। तो कपड़े मॉर्निंग में नहीं वॉशिंग के लिए लगाए थे मैंने, तो वो भी मैंने लंच करने के बाद वॉशिंग में लगा के, तो फिर मैंने मतलब मैं तो पूरा हो गई सो गई, और फिर उसके बाद उठ के फिर मैंने अपने जो भी कपड़े धोए थे वो सारे सुखाए हैं, और ये ऑयल डिस्पेंसर वॉश किया था आज, ये खाली हो गया था, तो इसको भी सोचा धूप लगा देती हूँ अंदर, तो बहुत टाइम लेगा सूखने में। आजकल जैसे मॉइस्चर वाला सीज़न चल रहा है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेनर वगैरह सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो इसको मैंने धूप लगा दी है, धूप लगाने के लिए रख दिया, सूख जाएगा जैसे वैसे मैं रिफ़िल कर लूँगी।
और ये कर्टन मैं वॉश करने के लिए मशीन में ही डालने वाली हूँ, तो वही मैं आपको बता रही थी कि मैं किस तरीके से वॉश करती हूँ। और आपका एक भी ये जो होते हैं उसके, ये जो सिल्वर कलर के हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं आ नहीं रहा मेरे को, तो वो एक भी नहीं निकलेगा आपका अगर इस तरीके से आप वॉश करेंगे ना मशीन में। इस तरीके से आप कोई भी रुमाल ले लीजिए, कोई इस तरीके का नाड़ा ले सकते हैं आप, या कुछ भी ले लीजिए इस तरीके का, उसको पूरे उसमें फंसा के और देन फिर उसको अच्छे से गांठ लगा के उसको मशीन में डाल दीजिए। एक भी आपका ये जो है वो नहीं टूटेगा, नहीं निकलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से वॉश भी हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो ये सब वॉशिंग में लगा दिया है, और अब लंच कर रही हूँ मैं, बच्चों को भी लंच दे दिया है मैंने, वो भी कर रहे हैं, तो वो भी दवाई खा के अपना सो जाएंगे आराम से, और मैं भी यहाँ पे आराम से सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, देन फिर उठ के बाकी के काम करेंगे। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद सो उठ गई थी मैं, तो तब तक मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे, तो मैंने सोचा अभी धूप है तो कपड़े फैला देती हूँ, अदरवाइज़ फिर सूखेंगे नहीं, फिर आजकल के मौसम का आपको पता ही है ऐसे ही हो जाता है, तो इसीलिए मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह सुखाने डाल दिए हैं, और डालने के बाद फिर बाकी का अपना जो भी काम है शाम के उस पर लगूँगी, तो छोटे मोटे ये जो सारे काम हैं वो मैं अभी निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे पर्दा भी मेरा सूख गया था, मतलब मैंने धुल दिया था, तो इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही टांग दूँगी, खिड़की में धूप आ रही तो ये अपने आप ही सूख जाएगा। तो मशीन में अच्छे से ड्राई तो हो चुका है, तो इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं सूखने में, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही टांग दिया कि ताकि ये धूप आ ही रही है खिड़की से तो अपने आप सूख जाएगा। तो ये मेरा आज ये वाला कॉर्नर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, अब देखूंगी कल अगर टाइम लगेगा तो फिर दूसरा कोई कॉर्नर पकड़ती हूँ, और तबीयत देखूंगी कि कैसी है उसी हिसाब से फिर मैनेज करेंगे। तो कर्टन लगाने के बाद वही जो छोटे मोटे काम होते हैं शाम के टाइम पे वही करने वाली हूँ मैं, तो ऑयल डिस्पेंसर मैंने वॉश किया था उसमें फिल करूँगी ऑयल वगैरह, तो वो रहता है बस, यही सब छोटे छोटे काम होते हैं जो डेली के, कहने को तो छोटे होते हैं लेकिन होते बहुत बड़े हैं, क्योंकि टाइम सेविंग होते हैं काम ये, अगर टाइम के टाइम उसी टाइम पे ना करिए जाएँ तो फिर ये तो बहुत टाइम ले लेते हैं। तो इसीलिए फिर बस अब ये जो मॉर्निंग में बर्तन वगैरह वॉश किए थे वो सब मैं रख रही हूँ, देन उसके बाद जो शाम के बर्तन हैं वो क्लीन करूँगी, सॉरी दोपहर के जो बर्तन हैं वो क्लीन करूँगी, लेकिन वो अभी नहीं मैं क्लीन करती, वो चाय वगैरह पी लेंगे ना शाम के, उसके बाद मैं करूँगी। तो ये ऑयल डिस्पेंसर रिफिल कर रही हूँ मैं, तो हम ऑयल यूज़ करते हैं फॉर्च्यून का कच्ची घनी सरसों का तेल, तो वही मैं डाल रही हूँ इसमें, और रिफाइंड ऑयल हम यूज़ करते हैं फॉर्च्यून का राइस ब्रान ऑयल, तो वो यूज़ करते हैं हम, तो वही ये दो ऑयल और देसी घी हम यूज़ करते हैं, अमूल का जो येलो वाला पैकेट आता है ना वो काउ का जो होता है घी वो, तो बस ये रिफ़िल कर दिया है मैंने। तो अब ये जो दोपहर के लंच करने के बाद जो सामान बचा हुआ था थोड़ा बहुत, राइस बचे हैं, थोड़ी सी दाल है, इन सबको मैं दूसरे बर्तन में खाली कर लूँगी छोटे बर्तन में, तो इन सबको मैं क्लीन करने वाली हूँ, और दाल क्योंकि मॉर्निंग की बनी हुई है तो इसको एक बॉयल दिला दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो जाए शाम तक। तो एक कटोरी दाल बची है, ज़्यादा तो नहीं है, इवनिंग में देखते हो कुछ और सब्ज़ी बनानी पड़ेगी तो वही बना लूँगी, तो साथ में थोड़े से राइस बचे हुए हैं तो इनको मैं शिफ्ट कर रही हूँ, और देन फिर उसके बाद भिगो दूँगी मैं इनको, तो थोड़ी देर के लिए जब ये भीग जाएंगे देन फिर उसके बाद इसको क्लीन कर लेंगे। तो इधर साथ के साथ मैंने चढ़ा दी है चाय, और चाय का टाइम हो गया है, बच्चे भी दवाई वगैरह खा के सोए हुए थे तो उनको भी मैंने उठा दिया है, पानी वगैरह वो पी रहे हैं, और अभी चाय अदरक वाली चाय बनाई है मैंने, सारे मसाले और काली मिर्च लौंग और दालचीनी ये सारी चीज़ें ना डाल के तो कड़क वाली चाय बनाई है, तो वही मैं बच्चों को भी आजकल दूध नहीं दे रही हूँ क्योंकि कफ़ का कंजेशन का प्रॉब्लम है ना, तो फिर कफ़ में दूध डॉक्टर ने मना किया है कि दूध नहीं देना है, तो फिर मैं ये अदरक वाली थोड़ी थोड़ी चाय दे देती हूँ, और ये हल्दीराम के समोसे लेके आई थी, आपको पता ही है जब तबीयत ख़राब हो ना तो फिर चटपटा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो अभी थोड़ा फ़र्क है तो इसीलिए फिर मैं मॉर्निंग में ये लेके आई थी, तो
मैंने कहा यही दूसरे वाले तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर यही वाले खा लेते हैं, अपना छटोरापन थोड़ी छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं, चाय साथ के साथ देख रहे हैं हम टीवी, और बस अब यही इवनिंग का रहता है। और बच्चे अब शाम के टाइम थोड़ा सा मैंने बोला है अपना होमवर्क वगैरह कर लो। बड़ी वाली बेटी की तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बट अभी हमने भेजा नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो देखते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे इनकी क्लासेस लगी हैं, यानी कि मंडे जाना है, फिर वेडनेसडे जाना है, फिर फ्राइडे जाना है, इस तरीके से। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड। कोई भी रेसिपी आज मैंने शेयर नहीं की है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।